लोकसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती चल रही है। जहां पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी के अजय टमटा ने अब तक की गणना के आधार पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। वहीं अजय टमटा ने कहा कि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और लोगों ने सोच समझ कर मतदान किया है, फिर से भाजपा सरकार पर भरोसा जताया क्योंकि विकास का नाम ही भाजपा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन विचार और जो उनकी हाइपोथीसिस है, जो परिकल्पना थी पूरे देश के लिए, उस विजन को नीचे तक अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब वंचित अनुसूचित जो शोषित वर्ग था उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार की अपेक्षा से देखता है। 70 साल की आज़ादी में पहली बार उसको ऐसा लगा कि जमीन पर उतरने वाली योजनाओं का लाभ, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण। दूसरा कारण कि राष्ट्रवाद इस देश के अंदर कूट कूट के भरना और इस भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरे देश की जनता ने स्वीकारा है और उसका परिणाम है कि एक मजबूत नेतृत्व के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी निकल के आ गया है, जो भारत जैसे दूसरे नंबर की जनसंख्या के देश के नेतृत्व करने के साथ साथ देश दुनिया में भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे और हर वर्ग को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, जनता ने अपने आप में प्रेरित होकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को रखते हुए स्वयं से अपना मतदान का उपयोग करके ऐतिहासिक बहुमत की ओर देश में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से जो जीत का लहर देश में बना है और माननीय मोदी जी का जो 5 साल का सफल कार्यकाल रहा, उन्होंने जो भी गरीब जनता के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी योजनाएं बनाई वो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लाए और वो सफल हुई। और मैं प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।